हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे हो? आई होप से अच्छे होगे। गाइस, आज के लिए हम बात करने वाले हैं मोटो G31 इंटरनेट प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, एनी एप्स प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम या आपके फ़ोन में कोई सेटिंग ख़राब हो चुकी है। आज की सेटिंग गाइस हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जो गाइस ये सेटिंग ना आपको पूरे फ़ोन को एकदम क्लीन कर देगी। चाहे आपसे कोई भी ऐसी मिस्टेक होगी जिससे आपकी कॉल नहीं लग रही अच्छे से, चाहे आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं चल रहा है, या गाइस आपके फ़ोन में नेटवर्क ऑटोमेटिक अपडाउन होता है। अगर आपकी कोई सेटिंग सी प्रॉब्लम होगी ना, ये सेटिंग एक ही सेटिंग से आपकी सारी सेटिंग यहाँ पर एकदम कम्प्लीट हो जाएंगी। और गाइस यार, आपके फ़ोन में अंदर से कोई मदरबोर्ड से ही प्रॉब्लम है, जैसे नेटवर्क वाई सी, नेटवर्क कंपोनेंट, या फिर गाइस कोई ऐसा नेटवर्क एंटीना या नेटवर्क वायर वाला प्रॉब्लम है, तो यार आपका ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो हार्डवेयर प्रॉब्लम है जो मैं सेटिंग से बारे बताने वाला हूँ। बट जैसे आपको स्टेप बाई स्टेप अभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो एक एक सेटिंग आपको बताते हैं, तब तो आपका सेटिंग का यहाँ पर सोल्यूशन हो पाता है। बट मैं आज की ट्रिक में ना एक ही सेटिंग करूँगा जो सभी का सोल्यूशन कर देगी, जितने भी आपके फ़ोन में प्रॉब्लम है ना वो ऑटोमेटिक सभी ठीक कर देगी। गाइस ये गारंटी है मेरी, आप सेटिंग को ट्राई करके देखना। वीडियो का ना आप कोई भी पार्ट स्किप मत करना, फिर आपके समझ में नहीं आएगा तो फिर बोलोगे भाई यार जो आपकी ट्रिक थी वो बिल्कुल भी वर्क नहीं की। हो सकता है जो बहुत सारे बंदे इस ट्रिक को जानते भी हों तो यार वो वीडियो को छोड़ के बिल्कुल जा सकते हैं, वो आराम से देख लें, उनको समझ में आता है हाँ ये सेटिंग यार हम तो जानते हैं, तो वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। 98% बता रहा हूँ गाइस, कुछ ही बंदे जानते होंगे, 10% मारे तो 90% तो बंदे नहीं जानते होंगे ये सेटिंग करना। तो अब इस सेटिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो सिंपल सा गाइस, आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग में एक बार जाना पड़ेगा। जैसे गाइस आप यहाँ पे अपने फ़ोन की सेटिंग में आप जाओगे ना, फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे कुछ आपको सेटिंग्स करनी पड़ेगी, वो सेटिंग जैसे करोगे तो आपका प्रॉब्लम एकदम फर्स्ट क्लास सॉल्व हो जाएगा। तो मैं फ़ोन की सेटिंग में चला जाता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे फ़ोन की सेटिंग में यहाँ पे आ चुका, सिंपल सा, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे गाइस एक ऑप्शन दिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब उस ऑप्शन से आप घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप लगेगा यार या क्या हमारा तो फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा। गैस आपका फोन बिल्कुल भी रिस्टार्ट नहीं होगा, ये गैस मेरी गारंटी है, ठीक है। तो गैस यहाँ पे देखो आपको देखना रिस्टार्ट, एक ऑप्शन होता है हमारे फोन रिस्टार्ट का। तो सिस्टम में आपको जाओगे, जैसे सिस्टम में जाओगे, सिस्टम जाने के बाद गैस यहाँ पे क्लिक करोगे आप पे, उसके बाद गैस यहाँ पे आपको मिल जाता है रिस्टार्ट का ऑप्शन, ठीक है। सिंपल सा इस तरह का इंटरफेस गैस यहाँ पे आ जाएगा। अगर देखो यहाँ पे इरेज ऑल डाटा पे आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा फोन रिस्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, रिसेट वाईफाई ब्लूटूथ हॉटस्पॉट इस पर गैस आपको क्लिक करना है। यहाँ से गैस आपको सिम सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, कौन सी सिम आप सेलेक्ट करना चाहते हो, उस सिम में प्रॉब्लम कर रहा है नेटवर्क वगैरह, उसको सेलेक्ट कर लो। गाइस दोनों सिम प्रॉब्लम करनी तो नंबर बाय नंबर करके आपको दोनों सिम को रिसेट कर देनी है, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी ना एक बार में सारी के साथ सॉल्यूशन हो जाएगा पूरे फोन का। और एक बार रिसेट ऑल स्टार्ट नहीं कर देना, तो स्क्रीन में आपका फोन एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा बगैर डाटा लॉस किए हुए। अब गाइस यार ये सेटिंग करने के बाद अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, यार देखो मेरी वॉइस यहाँ पर थोड़ी अच्छे से नहीं आ रही, उसके लिए भाई रियली सॉरी, ठीक है। मुझे यहाँ पर थोड़ी सर्दी हो चुकी है, मेरी जो वॉइस है यहाँ पर थोड़ी अच्छे से नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए यार रियली सॉरी गाइस। अब देखो यहाँ पे हम अपना जो हमारे फ़ोन का पासवर्ड है ना वहाँ पे डाल देंगे, तो हमारा फ़ोन यहाँ से कंप्लीट फॉर्मेट हो जाएगा। इस तरीके से अपने यहाँ पे सॉरी फोन फॉर्मेट नहीं होगा, जो भी सेटिंग फॉर्मेट हो जाएगी आपकी, और आपके फ़ोन में कुछ भी डेटा लॉस नहीं होगा, कुछ भी आपके फोन में कटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। गैस पहले आप देख लो सेटिंग को, उसके बाद कर लो, आपको विश्वास हो जाएगा आपको कर लेना है। तो गैस यार मेरे को पसंद प्लीज़ भाई को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, टेक केयर, मतलब अभी मैं डेटा टू शूट फैमिली।